संख्या पद्धति में हमने जो पीछे वीडियो पढ़ लिया था वहां से आपको मैंने जो क्वेश्चन भी दिए थे आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका उत्तर वहीं पे दे दूंगा। आज हम लोग उसकी अगली श्रेणी में या उसकी अगली कड़ी पढ़ते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों आप बताइएगा अगर आपको ज्ञात होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि यहां से भी प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या है हम लोग को पढ़ना है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप सबने कई जगह परिभाषा पढ़ी भी होंगी और बहुत सारी किताबों में दिया भी गया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, मतलब वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में, देखिए सीधा सीधा बता दे रहे हैं, वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो तथा क्यू का मान जीरो ना हो, माने क्यू जीरो ना हो तथा पी एक पूर्णांक हो। पी क्या हो, एक पूर्णांक हो, उससे हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्यू का मान कभी जीरो ना हो और पी एक पूर्णांक हो, ऐसे सभी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे 3/4, 5/12, -3/19, -4/3/5, -7, 126, 22/7, कड़ी में 4। तो ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें परिमेय p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q का मान जीरो ना हो, p एक पूर्णांक हो। तो हमने क्या देखा, 3/4 p बटा q के रूप में लिखा है, 5/12 p बटा q के रूप में लिखा है, -3/19 p बटे q के रूप में लिखा है, 4/3/5, अब इसको गुणा करेंगे ये मिक्स भिन्न में, ये भिन्न बदल जाएगा। तो ये मतलब परिमेय में नहीं है लेकिन इसे परिमेय में व्यक्त किया जा सकता है, -7, 126, 22/7, √4/2। तो माने वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। एक बार अब देखिए, हमने लिख दिया -7, क्या -7 भी एक परिमेय संख्या है, जी हाँ है। क्यों, क्योंकि जिसका बट्टा कुछ नहीं दिया गया होता है उसका बट्टा हम एक लिख सकते हैं, माने जिस संख्या का कोई भी बट्टा नहीं दिया गया हो उसका बट्टा एक लिखा जा सकता है। इससे एक बात याद रखिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है या हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती है, जैसे 27 का बट्टा लिख सकते हैं, माने जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं यदि उसका बट्टा कुछ नहीं दिया गया है तो उसका बट्टा या उसका हर हम एक लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय सभी प्राकृतिक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती हैं, किंतु सभी परिमेय संख्याएं एक पक्की संख्या नहीं हो सकती। ठीक, रेयर केस में हो सकती है लेकिन सभी नहीं हो सकती। ध्यान समझिएगा, सभी प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है जबकि सभी परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्णांक, सभी पूर्णांक चाहे धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक, सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है जबकि सभी परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती। इसलिए इस बात को समझे रहिएगा, यह परीक्षा में आजकल डायरेक्ट लाइन देख के पूछ लेता है और हम और आप वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, हमसे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए इस बात को आप भली भांति समझते रहिएगा। और कड़ी में 4 लिखा, कड़ी में 4 परिमेय नहीं था लेकिन जैसे इसको बाहर कर दिए आपको प्राप्त हो गया 2 और 2 को लिख सकते हैं हम 2/1, इसलिए यह क्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया। पहले परिमेय नहीं था लेकिन इसे परिमेय में हमने व्यक्त कर दिया तो 2/1 ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। तो शायद हम ये ऐसा करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है 22/7 क्या है, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है 22/7 को, यह एक परिमेय संख्या है। इसके लिए कुछ विवादित चीजें हैं वह मैं आपको भी बता देता हूं। अब प्रश्न उठता है कि किसे परिमेय अपरिमेय किसे कहते हैं, ये तो हमने पढ़ा परिमेय, अब हम लोग पढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय के बारे में समझ लीजिएगा, माने जो संख्याएं परिमेय नहीं है वे संख्या क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। इसमें कहना भी कुछ नहीं, मतलब जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वे सभी संख्या क्या होगी, अपरिमेय हो गई। इसके बारे में आप एक लाइन समझ लीजिएगा कि
जो संख्या परिमेय नहीं, माने जो संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वे सभी संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। जैसे अगर हम लिख दिए कणी में दो ही लिख देते हैं, कणी में दो, अगर इसको तोड़ेंगे तो 1.414 डाटा बढ़ता जाएगा। अगर इसे हम चाहे भिन्न के रूप में लिखना, पी बटे क्यू के रूप में लिखना, तो इसे हम लिख नहीं सकते। तो यह क्या हो गई? अपरिमेय। माइनस कणी में 3, कणी में माइनस 5, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, माने ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वे सभी क्या है? एक अपरिमेय संख्याएं होती है। तो सीधा कह सकते हैं जो परिमेय संख्या नहीं है वे सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? चलिए कुछ कंफ्यूजन को हम यहां खत्म करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए प्रायः पाई को लेकर समस्याएं होती है कि पाई जो है परिमेय है कि अपरिमेय। ये पाई को लेके प्राय समस्या रहती है, पाई परिमेय है या अपरिमेय। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है पाई किसे कहते हैं, पाई किसे कहते हैं? तो सुन लीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेडिंग डालिएगा पाई, लिखिएगा किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात, किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 होता है। कोष्टक में 22/7 होता है, जिसे ग्रीक भाषा के पाई से निरूपित करते हैं, जिसका मान 3.1428 डॉट बढ़ता जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। तो पाई का जो मान होता है वह 22/7 होता है। तो पाई क्या है? स्वयं एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान एक परिमेय संख्या है। पाई स्वयं क्या है? एक अपरिमेय है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि दूसरा मान क्या है? 3.1428 यह भी क्या है? अपरिमेय। माने यह दोनों अपरिमेय और यह क्या है? परिमेय। माने पाई के दो मान है, एक 3.1428 बढ़ता जाता है, दूसरा 22/7। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पाई का मान 22/7 है वह परिमेय है और पाई स्वयं अपरिमेय है। क्या है? पाई स्वयं अपरिमेय, जबकि पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है और यह भी अपरिमेय है। क्योंकि इसे अगर हम जैसे यही है, अगर 3.1414 माने 3.14 की पुनरावृत्ति होगी। अगर इसे भिन्न में लिखना चाहेंगे तो हम भिन्न में इसे व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 3.14 के बाद 1 के बाद कितनी लड्डू चढ़ाएंगे? अगर इसे भिन्न में बदलना चाहे तो भिन्न में नहीं बदल पाएगा, क्योंकि अनंत दशमलव के बाद अनंत अंक है, तो अनंत जीरो बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसे हम परिमेय के रूप में नहीं ले सकते, नहीं व्यक्त कर सकते। इस प्रकार ये क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा, जबकि 22/7 पी बटे क्यू के रूप में, इसलिए परिमेय संख्या है और पाई स्वयं अपरिमेय है। तो यह मैंने आपको समझा दिया। अब इस पे कुछ प्रश्न देके मैं इस लॉजिक को क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको ये समस्या भविष्य में दोबारा उत्पन्न ना हो। आप सभी साथी को हमारे ऑनलाइन क्लासेज और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स उपलब्ध हैं, आप चाहे तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात, आप टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज इन लर्निंग विद दुर्गेश, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए DURGESH दुर्गेश सर से सर्च करके टेलीग्राम पे आप स्टडी मेटर प्राप्त कर सकते हैं, या अन्य सभी नोट्स जो होंगे वहीं आपको मिल पाएंगे। चलिए हम आगे लिखते हैं कुछ सवाल। जैसे 1.5 पाई 3.2 के ऊपर बार और माइनस कणी में अंडर रूट 3, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? ध्यान दीजिएगा, मैंने विकल्प क्या कह दिया? 1.5 पाई 3, यह 3 आपका 3.2 के ऊपर बार कणी में 3, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या? मान लीजिए विकल्प ए हो गया, ये बी है, बी ये हो गया, सी ये हो गया आपका डी, तो कौन सी परिमेय है बताइए आप? अब इसमें तो परिमेय में कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसे परिमेय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए जहां परिमेय ना मिले तो हम 1.5 को लिख सकते हैं इसका बटे 10, और जब इसे काटेंगे तो हो जाएगा 15/10, इसे लिख सकते हैं 3/2। माने ये वास्तव में पी बटे क्यू तो नहीं है, लेकिन इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि अन्य किसी विकल्प को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, इसलिए यह विकल्प क्या होगा? सही होगा। इसलिए कभी कभी
कभी कभी यह भी मायने रखता है कि विकल्प क्या है, उसके भी आधार पर हम क्या करना होता है, चयन करना होता है। अब 3.2 का मतलब 12 लगा है, इसको लिखते 3.2222, इसे बदलते भिन्न में, तो 3-2 के बाद कितने लड्डू बनाएंगे, इसकी सीमा नहीं है कितने लड्डू बनेंगे, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या के रूप में चाहकर भी व्यक्त नहीं कर पाते, जबकि यह व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए 1.5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि यह तीनों परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, और यही एक परिमेय, वास्तव में परिमेय नहीं था, लेकिन इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए इस विकल्प का चयन करते समय हम परीक्षा के विकल्प का भी देखेंगे कि क्या विकल्प कह रहा है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से कोई परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यह विकल्प के आधार पर हम इसको एक परिमेय संख्या के रूप में कह सकते हैं। चलिए एक प्रश्न हम आपको देते हैं, उसका जवाब हमें दीजिएगा, और हम आशा करते हैं आप उसका जवाब सही देंगे। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो लिखिए आप लोग। कणी में 16, 4.35, 1.3333 डॉट डॉट, फिर है आपका 17, ये आपके 4 विकल्प है, ये हो गया आपका विकल्प ए बी सी और डी। इस प्रश्न में आप लिखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ये डॉट डॉट है, देखिए ये है 1.333, माने पुनरावृत्ति हो रही इसकी, ठीक है, तो यह है कणी में 16, 4.35, 1.333, -17, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है या कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। हम आशा करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने इस उत्तर का चयन कर लिया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है, आप सभी साथी इसे शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको बेहतर लगे तो लाइक करिएगा, लेकिन लाइक करिए या मत करिएगा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक वीडियो शेयर करने से किसी का भविष्य बना सकता है, हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हो जो लगातार गणित पढ़ रहे हो, शायद उनको समझ में ना आ रहा हो सकता है मेरे द्वारा पढ़ाई उनको समझ में आ गया हो जैसे आपको समझ में आया हो, इसलिए आप सभी साथी शेयर कर दीजिएगा। इलर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज, इलर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम पे, हर जगह आपको उपलब्ध होगा। तो आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।